कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल व एजुकेशन इंडिया ने इंजेक्ट हैप्पीनेस के तहत रविवार को विद्यालय में चिकित्सा शिविर आयोजित किया। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचकर लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। चिकित्सा शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों का परीक्षण करते हुए उन्हें उचित सलाह दी तथा दवाएं भी वितरित की। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर आशा तिवारी ने बताया कि बागेश्वर की जनता को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया था। ये हमारे स्कूल कंट्रीवाइड में एजुकेशन इंडिया के थ्रू एक मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें यहाँ के हम जो भी लोग मेडिकल की सुविधा आराम से नहीं पा पाते, उसके लिए हमने स्कूल के नियर बाय एक जो भी लोग आ सके ये कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, जो आज यह शिविर लगाया गया है छोटे बच्चों का कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल मंडलशेरा एवं और यहाँ कठहरबाड़ा में, तो ये बहुत अच्छा लगा है शिविर। इसमें जांच हो रही है बच्चों की और इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि 15 साल से नीचे वाले का जो है आँख का ये आँख का नहीं होता है और वो ब्लड ग्रुप भी उनका नहीं लिया जाता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं करके, और बाकी सब ठीक चला है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चला है ये, और ऐसा शिविर हमेशा का लगाया था तो बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। इंजेक्ट हैप्पीनेस के अंदर एक वन डे मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें हमारी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई हुई है। ACMO साहब खुद आए हुए हैं और उसके अलावा एक डेंटिस्ट मैम आई हैं, रिचा शर्मा मैम, और एक कुंजित जोशी डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर इजल पटेल सर है, और यहाँ पे जो है CHO मैम भी आई हुई हैं, वो ब्लड शुगर और BP भी चेक कर रहे हैं, और एक आई टेक्नीशियन सर है जो आईज का भी, क्योंकि स्कूल्स में जो है स्पेशली बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और ये जो कैंप है ओपन फॉर ऑल है, क्योंकि देखिए हम ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू अपने जो विद्यालय है उसे कम्युनिटी के साथ जोड़ने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है, ताकि अवेयरनेस हो और इस तरीके से हेल्थ चेकअप हो, लोगों को पता चले, तो उससे क्या होगा, अगर लोग हेल्दी रहेंगे तो अपने आप एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होगा और अपने आप हैप्पीनेस आ जाएगी। इसके साथ ही एजुकेशन इंडिया की जो पार्टनरशिप है उसके साथ कंट्री वाइड ने ये प्रोग्राम करवाया। CCN न्यूज़ के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।